बिसाऊ के श्री राम नारायण बावरी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में टीचर ने छात्र के डंडे से पिटाई कर दी, इससे छात्र के पैरों पर चोट के निशान बन गए। छात्र के पिता ने टीचर के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। छात्र के पिता मुरारीलाल स्वामी ने बताया कि उसका 12 वर्षीय पुत्र अभय स्वामी कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में कक्षा 7 में है। शिक्षक प्रमोद कुमार प्रजापत ने प्रश्न का उत्तर नहीं बताने पर डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद अभय घर पहुंचा, लेकिन उसने डर के मारे किसी को इस बारे में नहीं बताया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दर्द असहनीय हुआ तो वह रोने लगा। जब उसकी मम्मी व पिता ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। छात्र के पैरों पर डंडे से चोट के निशान बन गए। पुलिस ने रिपोर्ट लेकर छात्र का मेडिकल करवाया है। इधर स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश कुमार का कहना है कि बच्चे को होमवर्क दिया था, वह करके नहीं लाया, इसलिए टीचर ने डंडे से पीट दिया। टीचर ने बच्चे के परिवार से माफी मांग ली है।